मिस्टर पीएम सिंघल ने हमें कॉल किया हुआ है भोपाल से। नमस्कार सिंघल जी, आपका सवाल पूछिए। जी सर, मैंने कांडला सॉल्यूशन खरीदे हैं 25 अक्टूबर को 47 रुपीज में 200। इसके बारे में जानना है, काफी घट गया जी। बिल्कुल, आपको यहाँ पे नुकसान हो रहा है, आपको राय दे रहा है टेक्निकल पर्सपेक्टिव में। हेड्रिन, व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन टैनला 47 ऑन लेवल्स पर, जैसे उन्होंने बताया कि उनकी खरीदारी है एंड ही इज पर शेयर के पीछे ही उनको 10 रुपया प्रति शेयर नुकसान भी हो रहा है, 37 इज अ करंट मार्केट प्राइस। टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपको क्या लगता है कि कितना और फॉल बाकी है स्टॉक में और आपकी क्या सलाह है उनके लिए? देखिए, द गुड थिंग अबाउट तानला सॉल्यूशंस यहाँ पे कि जो भी फॉल आया है, इट हैज़ एक्चुअली रीच इट्स लॉन्ग टर्म 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट। अब वो सपोर्ट इज एट अराउंड 36 रुपीज़। अब यहाँ से इनफैक्ट बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह से ये स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक है, इन द वे इट मूव्स हायर, इट इज़ एक्चुअली डन विथ इट्स करेक्शन एंड और यहाँ से वी आर एक्सपेक्टिंग कि तानला सॉल्यूशंस में बहुत ही अच्छा बढ़त दिख सकता है। और अगर इसमें निवेश किया है उन्होंने 47 पे, तो डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड वंस वी सी सम रिवाइवल इन द मार्केट्स, वी विल ऑल्सो सी तानला सॉल्यूशंस पार्टिसिपेटिंग इन द रैलीज एंड वी कुड सी लेवल्स ऑफ 47 वंस अगेन। तो इट इज़ अ यू शुड कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू तानला सॉल्यूशंस एंड नॉट एग्जिट इट। होल्ड करने की सलाह है ताना सॉल्यूशंस, अभी करीब 38 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1 से 1.25% कमजोरी लेकर। लेकिन एक बार फिर से बात करते हैं हम NBFCs की, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की। हमारे साथ मिसेस रत्ना विश्वनाथन मौजूद हैं, जो कि CEO हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क की। रत्ना जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। रत्ना जी, सबसे पहली चीज़ तो ये समझना चाहेंगे, डीमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं और ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो NBFCs हैं उनके डिसबर्समेंट में भी और साथ ही साथ कलेक्शंस में भी करीब करीब 200 से 250 करोड़ का डेली का इम्पैक्ट आ रहा है। अभी कुछ कदम RBI ने कल भी उठाए हैं थोड़ा रिलीफ देने के लिए NBFCs को, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति कैसी लग रही है इम्पैक्ट के लिहाज से? एक्चुअली जो ये जो आप कह रही है सही बात है, जो डिमोनेटाइजेशन के बाद काफी इम्पैक्ट पड़ा है ऑन दोनों कलेक्शंस पे भी और डिसबर्समेंट पे भी, क्योंकि डिसबर्समेंट पे इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि लिक्विडिटी इश्यू है। कल जो RBI ने सर्कुलर रिलीज किया है, एक्चुअली उससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है कि ये लोन डिफरमेंट के लिए है। ये एक्चुअली लोन डिफरमेंट नहीं है, बेसिकली जो NPA डेफिनेशन एक एसेट का होता है वो होता है कि 90 डेज तक अगर एक एसेट परफॉर्म नहीं करे वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिफाइन हो जाता है। और कल का सर्कुलर 60 डेज एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि जो NPA डेफिनेशन विल मूव टू 150 डेज। तो ये बेसिकली बैलेंस शीट ट्रीटमेंट ऑफ NPAs के लिए है। However, क्या हो रहा है कि देश भर और काफी अखबारें और सारे वो ये न्यूज लेके ये घोषणा कर दिए हैं कि ये लोन डिफरमेंट है। ये लोन डिफरमेंट बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट क्या होगा, अगर हम 60 दिन एक्स्ट्रा लेके लोन का रीपेमेंट करेंगे वो पूरा पीरियड इंटरेस्ट लगेगा ही, क्योंकि लोन का डिफरमेंट नहीं है। इसको लोन डेफिनेशन जो परफॉर्मिंग एसेट से नॉन परफॉर्मिंग एसेट है इसके लिए 60 डेज बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो हर जगह मैंने अखबारों में और न्यूज में भी आ रहा है कि ये डिफरमेंट है, ये डिफरमेंट नहीं है, बट ये ग्राउंड लेवल पे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट कर ही रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि इसका पोटेंशियली मिसयूज भी हो पाएगा? मिसयूज नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंड हो रहा है। एंड यस, मिसयूज होने की भी थोड़े चांसेस है अगर वेस्टेड इंटरेस्ट ये लेके हमारे जो बोरोज है उनको बोले कि आपको अभी मैंने किश्त वापस करने की कोई जरूरत नहीं है और आप 7 दिन के बाद दे सकते हैं, तो वो तो प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। और दूसरी चीज ये है कि हम काफी दिन से बोल रहे हैं कि जो हमारे जो बोरोज हैं वो लोएस्ट इनकम हाउस होल्ड से आते हैं और सारे महिलाएं हैं, 3.5 करोड़ महिलाएं हैं। तो इनके पास ऑब्वियसली वो जो न्यू नोट्स इतना नहीं होगा क्योंकि ये सेमी अर्बन और रूरल एरियाज से ज्यादातर हैं। तो हम मांग रखे हैं मंत्रालय के पास भी और RBI के पास भी कि जो पुराने नोट्स हैं उसका सिर्फ लोन रीपेमेंट के लिए हमको एक तो अलाउ कर दें
और दूसरा क्योंकि ये मैंने मिसयूज होने की चांसेस हैं, उस पर सीलिंग रख दे कि 2,000 या 2,500 के ऊपर इंस्टॉलमेंट हम किसी से ले ही नहीं सकते, तो ये मिसयूज होने की कोई संभावना नहीं होगी। जी बिल्कुल, जैसे आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया उसको, एंड थैंक्स फॉर क्लेरिफाइंग दिस एज वेल। बट मैम, द मूव इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव, अगर पॉजिटिवली अगर हम देखें तो इट्स गोइंग टू इम्प्रूव द सिस्टम लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम एज वेल, और यहाँ से लेकर अनटिल द क्रेडिट डिमांड पिक्स अप, तो उसके ऊपर क्या ओपिनियन है आपका? इम्प्रूव, बट जब तक ये सिचुएशन इम्प्रूव करती है एंड स्पेशली जब डिसमिनेशन ऑफ करेंसी पहुंच जाती है स्पेशली टू पेरी अर्बन एंड यू नो रूरल इंडिया, उसमें तो थोड़ा टाइम लैग होगा ही, और वो आई मीन एक्सेप्टेड है, सबको पता है, और ऐसे स्थिति में मैंने अनरीजनेबल होना मैंने इज नॉट अ गुड थिंग ऑल्सो। बट हैविंग सेड दैट, जो डिमांड है, देखिए ये सारे स्मॉल कस्टमर्स हैं, ठीक है, इनका लिक्विडिटी बहुत बड़ा इश्यू रहता है क्योंकि छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, ठीक है, अगर लिक्विडिटी इनको टाइम पे नहीं पहुंचेगी, क्योंकि डिसबर्समेंट से ही तो इनको लिक्विडिटी मिलेगी, इवन छोटा छोटा अमाउंट में अगर इनको लिक्विडिटी टाइम पे नहीं पहुंचेगी, इनके जो बिजनेसेस हैं ये बड़ी बुरी तरीके से अफेक्ट हो सकते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन होगा रत्ना जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीब करीब मोर देन 80% जो आपके रिपेमेंट्स होते थे वो कैश में होते थे, आपने खुद मेंशन किया कि सेमी अर्बन एरियाज में ज्यादा एक्सपोजर था। अगर पुराने नोट जो कि आपकी आपने अर्ज किया है कि पुराने नोट के जरिए रीपेमेंट को अप्रूवल मिल जाए, अगर वो नहीं होता है, क्योंकि अभी तो ऐसी स्थिति है नहीं, तो ऐसे में जो असर अभी हो रहा है बिजनेसेस पर, वो कितना और स्ट्रेच हो सकता है, कब तक हम थोड़ा सा रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये अगर ये अलाउ करते हैं तो एक्चुअली रीपेमेंट में अगर अलाउ नहीं करते हैं तो आ जाएगी, और सिंस ये लोन रीपेमेंट ये डायरेक्टली बैंक में जाएगी तो इसका मिसयूज होने का कोई संभावना नहीं है, ठीक है, ठीक। मगर जो स्थिति है वो इम्प्रूव हो जाएगी एज फार एज क्लाइंट्स आर कंसर्न, क्योंकि इनका जो क्रेडिट हिस्ट्री है, अगर ये टाइम पे नहीं पे करते, इनका क्रेडिट ब्यूरो में इनका सारा क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाएगा, और इनका फॉल्ट नहीं है। और आपको मैं ये बता दूं, जो NBFC MFI क्लाइंट्स हैं, इनकी 100% डेटा वीकली बेसिस पे क्रेडिट ब्यूरो पे अपलोड होता है, तो ये रिकॉर्ड मैनिपुलेट भी नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए, शुक्रिया रत्ना जी बातचीत करने के लिए जी बिजनेस से, और अपने व्यूज इस पूरे मसले पर शेयर करने के लिए। इस बीच आपको बता दें कि फिच की ओर से कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और जिसमें उन्होंने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर पर अपना नेगेटिव आउटलुक उन्होंने बरकरार रखा है, ये फिच की ओर से स्टेटमेंट बैंकिंग स्पेस पर आते हुए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नोटबंदी से बैंकों का डिपॉजिट जरूर बढ़ेगा, लेकिन कंसर्न अभी भी एसेट क्वालिटी को लेकर है, ब्याज दरें घटने की संभावना है, ऐसा इंडिकेशन दिया है फिच ने। उन्होंने ये भी कहा है कि नए NPA जो है उसमें आगे कमी आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो बैंकिंग सेक्टर पर उनका आउटलुक है वो उन्होंने नेगेटिव स्टांस ही बरकरार रखा है। ये उन्होंने ये भी कहा है कि घरेलू निवेश में कमजोरी अभी बनी रहेगी डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट के बाद, लेकिन इतना ज़रूर है कि बैंकों के डिपॉजिट बढ़ेंगे, जिस पर हम बातचीत कर भी रहे पिछले 7-8 सत्रों से, और ब्याज दरें घटने की संभावना की भी उन्होंने यहाँ पर बात कही है, लेकिन मार्केट्स अभी दिन के निचले स्तरों पर ही ट्रेड कर रहे हैं।